थिंग्स। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, टोटल हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, क्रिसमस ओरेकल एंड यू कैन से येलो ओरेकल। ठीक है, तो तीनों के साथ हम कर रहे हैं रीडिंग। लेट्स शफल द कार्ड्स, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। हाय, बस चुनने हैं कुछ कार्ड। ठीक है, 3 बार मैंने शफलिंग की है एंड लेट्स नाउ चूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो 7 कार्ड हमने लिए हैं, 7 कार्ड से अभी हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिल रही है। I'll place the cards over here. Let's connect. देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन सारे परेशानियों को दूर भगाना चाहता है। ठीक है, अगर आप में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी बातें नोकझोंक हो चुकी हैं तो उसके बारे में वो चीज़ें क्लियर करना चाहता है। कहीं आपको मिलके या फिर इकट्ठा आप कहीं पे अगर बातें करने के लिए गए तो ये आपसे ज़रूर इसके बारे में बात करना चाहेगा। ठीक है, इसके बारे में जो पहली बात आती है कि वो आपको बताना या समझाना चाहता है कि जो भी ये हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ, किसी गलतफहमी के कारण हुआ। और वही बात है कि वो अभी उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। दूसरी जो बात है कि ये उनका इरादा कतई नहीं था कि वो आपको हर्ट करे या फिर आप खुद हर्ट हो जाए। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ट्स में ये पर्सन जो है वो अभी तंग आ गया है जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, कि मे बी आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि भाई ये आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। देखो ये इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। ऑब्वियसली 10 ऑफ सॉर्ट्स जो है वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे बातें जो है इस लेवल तक पहुँच गई कि इंसान अंदर से टूट जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं तो प्यार करता हूँ, मैं तो बिलीव करता हूँ, तो दूसरा मुझे क्यों नहीं समझता। हालांकि ये फीलिंग आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग लग सकती है, लेकिन हर एक के लिए इसका परिणाम अलग अलग होता है। कोई इसको ईजिली ले भी सकता है और कोई इसको लेके जीवन भर दर्द में रह सकता है। तो ये पर्सन इस दर्द को भूलना चाहता है और भूलने से पहले इस दर्द को अपने दिल से और आपके दिल से भी निकालना चाहता है। यस, सेकेंड जो कार्ड है वो है डेथ, यानी कि भाई स्कॉर्पियो का कार्ड। इसका मतलब है परिवर्तन लाना, या फिर भाई हम ये भी कह सकते हैं कि देखो ये आपसे मिलके कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अगर आपने को कहा कि या तो तुम मेरे ज़िंदगी में लौटो या फिर चले जाओ, तो ये इसमें से कोई एक बात वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि भाई परिवर्तन लाना कोई मामूली चीज़ नहीं होती। आपके लिए वो 2 दिन के लिए परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन वापस से फिर उनको अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये आपको कहना चाहते हैं कि चलो भाई हम मिलते हैं और आराम से बातें करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है कि आपको इनमें बदलाव चाहिए, तो क्या बदलाव चाहिए? कि भाई डेफिनेटली उन्होंने अपना जो एक आदत है अपनी वो बदलनी चाहिए, फिर जिस तरह से वो आपसे पेश आते हैं वो बदलना चाहिए। देखो इंसान थोड़ा थोड़ा बदलता ही रहता है, और हाँ वो 100% बदलता भी है, लेकिन वो तब जब कोई ऐसी बात हो जाए जो उसके आपे से बाहर हो। अभी अगर ऐसी बात नहीं है तो आप उसको 100% बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए नाटक ज़रूर कर सकते, लेकिन नाटक भी ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी वो अपने असली रूप में लौट आएंगे। तो डेथ का मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि ये आपसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है बात करते हैं और देखते हैं इसका हल क्या है, लेकिन अगर आपका ये हल है कि ये आपके लिए बदल जाए तो ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। भाई किसी के ईगो को चोट ना पहुंचाते हुए कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है इसके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आप भी इसके बारे में सोच सकते हो और वो भी सोच सकते हैं। आपने अगर इनको कुछ अल्टीमेटम दिया हो, कभी आपको ये करना होगा वो करना होगा, तो इसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली ऐसा क्या कर सकता हूँ कि दोनों के दिल दुखे बिना हम कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई वो पल याद कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों साथ में थे, या फिर ये आने वाले कुछ पल है, जैसे कि शायद 5 बजे हो, 6 बजे हो, जब आप दोनों मिलने वाले हो तब उनकी फीलिंग क्या होगी। उनके हिसाब से अगर जैसे आप उन्हें मिलते हो तो उनकी जो दिल लगी है वो और ज़्यादा यू नो पावरफुल हो जाते हैं, वो आपको और ज़्यादा मिस करते हैं और ज़्यादा चाहने लगते हैं। तो हाँ, वो आपको पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि प्यार का ये तराना जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि जितना आप उनसे मिलते हैं तो उतना ही प्यार बढ़ता ही जाता है।
नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एज यू कैन सी भाई इनकी ज़िंदगी तो शायद आपके आ जाने से टर्न हो चुकी है, बदल चुकी है, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है कि भाई ये आपकी ज़िंदगी में होने ही चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको समाधान निकालना चाहिए, जो अगर नहीं निकल रहा है तो ये आपकी मदद नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दो जो कार्ड बचे उसमें से पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड एंड लास्ट जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो एस ऑफ सॉर्ड का मतलब है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शायद ही आपका कोई एक्स भी रह चुका होगा जिसमें हाल ही में आपने बातचीत करनी शुरू की है और वो आपसे दोबारा से मुलाकात करना चाहता है। और अगर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलके बातचीत अच्छी होती है तो शायद आपका प्रेजेंट बनने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा, वो बस आपके वर्तमान का एक हिस्सा बनना चाहते हैं जस्ट एज अ फ्रेंड और जस्ट एज योर कलीग। हालांकि सिक्स ऑफ वॉन्ड का मतलब है कि भाई जो डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों को हो रही है उसके ऊपर निशाना साधना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में बोरियत आ रही है या फिर कहीं ना कहीं पे यू नो, आप दोनों सेम टॉपिक लेकर बैठे हो तो उस टॉपिक को ही हटाना ये इनकी प्रायोरिटी है। अगर हम उस टॉपिक को हटाएं और बोरियत को हटाएं तो आपकी ज़िंदगी में वापस से स्पाइस आ जाएगा, आप वापस से पहले जैसे हो जाओगे। सेकंड हम देखते हैं क्रिसमस ओरैकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, पहला कार्ड आ गया जो कि है चैलेंज। ओके, मैं रखता हूँ यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर कौन से कार्ड आते हैं। चलो ये आ गया दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा और एक पांचवा कार्ड। चलो पांच कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं पहले करता हूँ कार्ड्स को स्ट्रेट। ओके, और अब देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड है चैलेंज, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में चैलेंज ज़रूर है। दोपहर के वक्त ये चैलेंज के बारे में ही सोच रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि यू नो, ये आपके चैलेंज के काबिल बनना चाहते हैं या फिर इन्होंने आपके चैलेंज के काबिल बनना चाहिए, तो पहली बात आपने उन्हें प्यार ही क्यों किया। ओके, इनका शायद ये सवाल हो सकता है कि आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। हाँ, कुछ बातों में डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि मे बी आपके उनके कपड़ों के चॉइस, आपके उनका बात करने का लहजा, लेकिन आप दोनों इसलिए तो प्यार में पड़े कि ऐसी जो बातें हैं जो आप दोनों समझते हो, जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ये कहीं ना कहीं हो रहा है, मे बी अगर आपने अपनी फैमिली को ये बातें बता दी हो या फिर मैं किसी फ्रेंड को या फिर अपने दिल से पूछा हो कि क्या ये मेरा फ्यूचर बनने के लायक है, तो अभी भी आपको कोई भी आंसर नहीं मिला है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है गिविंग अप। शायद ये भी हो चुका होगा कि किसी ने गिविंग अप करने की कोशिश की होगी, या तो आपने या फिर उन्होंने। देखो कोशिश तो हर कोई करता रहता है, लेकिन कोशिश का फल क्या मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता। और जब हमारे कोशिश का फल नेगेटिव मिलता है तो बहुत से लोग अंदर से टूट जाते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है एंग्जाइटी। किसी किसी को एंग्जाइटी या फिर इस पर्सन को एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं। देखो इन्होंने शायद आपको बताया ना हो, लेकिन आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फीलिंग वाली, ये डरावनी होती है। अगर ये एनर्जी टूट जाए तो ये अंदर से टूट सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पर्पस। भाई आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन इसका पर्पस क्या है। देखो आपसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ बातें वो आपसे करना चाहते हैं, आपके प्यार में पड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपने लायक नहीं समझते या फिर समझते हो लेकिन रियलिटी में उनसे दूर रहते हो, तो ऐसी कौन सी बात है कि आप उनसे दूर रहते हो, ये खुद ही इनको समझ में नहीं आता और उसका जवाब वो आपसे मांगना चाहते हैं। फाइनल ओरैकल देखते हैं क्या है, वह शटिंग डाउन। शायद कोई पर्सन आपसे दूर भी जा सकता है इसलिए कि आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे हो। अगर काफ़ी दिनों से आपके कांटेक्ट में हैं, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं दे रहे हो, तो शायद वो आपसे बातचीत करना बंद कर दे। सेकेंड जो कार्ड है वो है अनकंडीशनल लव। ये बात उनको चाहिए कि प्यार ऐसा हो कि इनका रुतबा, इनका पैसा, इनका चेहरा, इन सारे चीज़ों के बीच नहीं आना चाहिए। हालांकि अगर आपके लिए ये बातें मायने रखती हैं तो आप अनकंडीशनल लव कह नहीं सकते। ठीक है, मैं इनकी बातें कह रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट कार्ड है ब्लॉक्ड बाय फियर। कोई ना कोई शायद डर है इनके ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं कोई डर शायद इनके मन में बैठ सकता है या फिर बैठ गया है जिसको लेके वो परेशान है। यू नो, कि भाई आपसे अगर बात करें तो आप क्या कहना चाहते हो। अगर आपने सही कहा तो ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसी बात कही कि ये खुद ही डर गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वो बात यहाँ पे आती है, दिस पर्सन इज़ लाइक मिसिंग यू अ लॉट। लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकलिटी भी आती है यहाँ पे कि भाई आप इनसे मिलना चाहते हो या नहीं, और अगर मिलोगे तो खुश होगे या नहीं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है स्टबन। ज़िद्दी है, शायद इनको लग रहा है कि आप ज़िद्दी हो और आप अपनी बातों से
मुकरेंगे नहीं, आपने जो कहा है आपको करके ही दम लेंगे, या फिर ये खुद भी ज़िद्दी है और इसीलिए आपका वेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये लगातार आपका फॉलोअप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अड़े हैं कि भाई मुझे तो आपसे प्यार है और मैं आपके सवालों का जवाब का इंतज़ार करूँगा, तो ये काफ़ी हद तक सही हो सकता है अगर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो। एंड जो आई थिंक दो कार्ड बचे हैं उसमें से पहला कार्ड है ट्रेडिशन एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पर्पस। ठीक है, क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। देखो आई थिंक ट्रेडिशन पर्पस का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि लगातार किसी के पीछे भागता ही रहता है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, समझना होगा। जैसे देखो यहाँ पे पर्पस कार्ड आ गया, इसका क्या मतलब है वो भी देखते हैं। देखो अगर कोई आपका अच्छा दोस्त है जो सिर्फ आपका भला चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसे वो दोस्ती क्यों करना चाहता है, इसका पर्पस क्या है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक मोमेंट याद आ गया व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, तो वहाँ पे एक लड़का था, ऐसी मेरी उससे बात हुई, तो मैं एक केमिस्ट्री के पास गया था, मेरी एक क्वेश्चन था और तब वो मेरे साथ आ गया था, कोई रीज़न नहीं था बट ही फॉलोड मी। तो उसका पर्पस क्या था फॉलो मुझे करने में, जानकारी लेना कि भाई क्या ये पढ़ाई कर रहा है, कहाँ तक आ चुका है। बाकी उसने कभी मेरी मदद नहीं की, ना ही कभी मेरे साथ था। बिल्कुल वैसा है कि ये पर्सन अगर आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है, डेफिनेटली कुछ तो पर्पस होगा। अगर पर्पस ये है कि मुझे तुमसे प्यार है तो भाई प्यार के तो बहुत रूप होते हैं, अकेला ये रूप नहीं होता, लेकिन उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है कि कोई अगर ऐसी गैर बात है जो कि आपके लिए लाजमी नहीं है, तो आपके सर में जानना बहुत जरूरी है। तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।